अभिषेक बच्चन की ये फिल्म देख इतना रोए थे अमिताभ, श्वेता के लिए संभालना हुआ था मुश्किल। टीवी के पॉपुलर चैट शो करण जौहर में कोई सेलिब्रिटी आता है तो अपने बयानों से कभी वो खूब चर्चा में रहता है तो कभी विवादों में फंस जाता है। हाल ही में अभिषेक बच्चन और उनकी बहन श्वेता बच्चन इस शो में पहुंचे। दोनों ने निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें शेयर की। करण जौहर के एक सवाल के जवाब में श्वेता बच्चन ने बताया कि जब अभिषेक की फिल्म मनमर्जियां रिलीज हुई तो मैंने और पापा ने साथ में फिल्म देखी। मैं पापा का रिएक्शन देखना चाहती थी। फिल्म देखकर वो रो पड़े। उस वक्त मैंने उनसे कहा कि अभिषेक से फोन पर बात कर लें, लेकिन वो बात करने के हालात में नहीं थे। अमिताभ बच्चन ने भले ही फिल्म देख ली हो, लेकिन जया बच्चन ने अभिषेक की ये फिल्म नहीं देखी है। श्वेता बच्चन ने बताया कि माँ ने फिल्म मनमर्जियां नहीं देखी है। उन्हें अभिषेक की ज्यादातर फिल्में पसंद नहीं आती हैं। उन्होंने आगे बताया कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे सबसे बड़े आलोचक हैं। इस दौरान करण जौहर ने श्वेता बच्चन नंदा से ऐश्वर्या राय से जुड़े कई सवाल पूछे। रैपिड फायर राउंड में करण ने श्वेता से पूछा कि वे ऐश्वर्या की किस आदत को पसंद करती हैं और किसे टॉलरेट करती हैं। श्वेता ने इस बात का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। श्वेता ने जवाब में कहा, ऐश्वर्या एक बेहतरीन माँ है और सेल्फ मेड स्ट्रॉन्ग वुमेन है। उनकी ये बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन वो फोन और मैसेज का जवाब नहीं देती हैं। उनकी ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। टॉलरेट करने वाली बात पर श्वेता ने जवाब में कहा, ऐश्वर्या का टाइम मैनेजमेंट